जंगल। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। गल करदे हां 31 मार्च दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, पंजाब सरकार वल्लों स्कूलां च दाखलियां संबंधी नवें हुक्म जारी। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला दीआं हदायतां ते स्कूल सिक्ख्या विभाग ने सरकारी स्कूलां विच दाखलियां लई लोकां नूं प्रेरित करन दे नाल नाल कोविड-19 महामारी बारे जागरूक करन लई भी मुहिम शुरू कर दित्ती है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं सिक्ख्या विभाग दे इक बुलारे ने दस्सिआ कि कोविड-19 कारण 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिते हैं, पर समूह सरकारी स्कूलों के अध्यापक घरों घर जाके लोगों नूं अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान अध्यापकों वालों सरकारी स्कूल दी विशेषतावां बारे लोगों नूं जानकारी दी जा रही है। बुलारे अनुसार पिछले साल स्कूल सिक्ख्या विभाग दी कोशिशों कारण सरकारी स्कूलों में दाखलों में तकरीबन 15% वाधा होया सी, अते इस साल यह वाधा पिछले साल नालों भी अधिक होने की उम्मीद है। इस दे नाल ही अध्यापकों वालों कोरोना तो बचाव संबंधी वरतियां जाण वालियां सावधानियां बारे भी लोगों नूं जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान अध्यापकों वालों आम लोगों नूं हाथ धोण दे तरीके बारे दसण दे नाल नाल मास्क पहनण अते घर तों बाहर जाण समय आपस विच शरीरक दूरी बना के रखण बारे जाणू करवाया जा रहा है। बुलारे ने दस्सिया कि अध्यापकों वालों आम लोगों नूं कोरोना प्रभावित मरीजों के लक्षणों बारे जानकारी दी जा रही है। अगली खबर दोस्तों, ड्रग के मामले च अदाकार एजाज खान नूं NCB ने किया अदाकार एजाज खान नूं NCB ने नशियां दे मामले च हिरासत च लै लिया है। अदाकार एजाज खान दा नाम नशियां दे मामले विच नशे दे सौदागर शदाब बताता दी गिरफ्तारी तों बाद सामने आया सी। बीते दिन एजाज खान राजस्थान तों मुंबई वापस परतिया, जिस तों बाद NCB ने उस नूं हिरासत विच लै लिया। अगली खबर दोस्तों, DGCA दा वड्डा आदेश, एयरपोर्ट ते कोरोना संबंधी नियम तोड़े तां लगेगा जुर्माना ते इन्ने समें लई कीता जावेगा बैन। हवाई अड्डिआं ते जहाजां च ठीक तरां मास्क ना पाउण वाले ते शरीरक दूरी दे नियमां दा ठीक तरह पालन ना करन वाले यात्रियां ते फौरी तौर ते उत्थे जुर्माना लगाउण दी तैयारी है। इस विषय च नागरिक हवाबाजी रेगुलेटरी DGCA ने हवाई अड्डियां नूं पुलिस प्रशासन दी मदद नाल आलमी महामारी कोविड-19 दे नियमां दा सही पालन ना करन वालियां तों जुर्माना वसूलण नूं कहा है। नाल ही अजिही गलती वार वार दोहराउण वाले हवाई यात्रियां नूं फौरी तौर ते फ्लाइट तों उतारन लई एयरलाइंस नूं आदेश दित्ते गए हन। इस तों इलावा एयरलाइंस इन्हां यात्रियों के 3 महीने की पाबंदी भी लगा सकदियां हन। अगली खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते दिल्ली पुलिस नूं भेजे नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा की एक औरत वालों दाखिल पटीशन ते केंद्र सरकार ते दिल्ली पुलिस कमिश्नर नूं नोटिस जारी करते जवाब मंगया है। इस दे नाल ही यह निर्देश दिए गए हैं कि नोएडा तो दिल्ली विचकार सड़क नूं खाली रखा जाए ता जो लोगों नूं एक थान तो दूजी थान जाने च मुश्किल ना आवे। नवे खेतीबाड़ी कानूनों के संबंध च देश भर के किसान राजधानी दिल्ली दीआं सरहदां उत्ते बैठे हुए हैं। इस कारण लोगों नूं दिल्ली आउण ते जाण च भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। इस मुद्दे ते नोएडा दी मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दायर कीती है, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार नूं केंद्र सरकार ते दिल्ली पुलिस नूं नोटिस जारी कीते हन। नाल ही निर्देश दिए गए हन कि नोएडा तों दिल्ली विचकार सड़क खाली कीती जावे। अगली खबर दोस्तों, 1 अप्रैल तों ही शुरू होवेगा सरकारी स्कूलां दा नवां विद्यक सैशन। सूबे दे स्कूली विद्यार्थियों दीआं कोरोना पाबंदियां च घिरियां सालाना प्रीख्यावां दौरान विद्यार्थियों दे सालाना नतीजिआं अते नवें विद्यक सैशन दी शुरुआत बारे पए जा रहे तोखलियां नूं दूर करदिआं विभाग वल्लों सरकारी स्कूलां दा नवां विद्यक सैशन आम दी तरह 1 अप्रैल तों ही शुरू करन दा फैसला कीता गया है। सिक्ख्या अधिकारियां अध्यापकां अते मापिआं दी मंग अते सुझावां अनुसार लई फैसले अनुसार गैर बोर्ड जमातां दे विद्यार्थियों दा सालाना नतीजा तैयार कीता जावेगा। स्कूल मुखियां वल्लों तैयार कीते नतीजे दी घोषणा अपनी सहूलत अनुसार 30 जां 31 मार्च नूं कीती जा सकेगी। सूबे दे समूह सरकारी स्कूलां च नवें सैशनां दी पढ़ाई 1 अप्रैल तों शुरू हो जाएगी। जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सिद्धू अते जिला सिक्ख्या अफसर एलीमेंटरी डॉक्टर सुखवीर सिंह बल नैशनल अवार्डी अते उप जिला सिक्ख्या अफसर एलीमेंटरी मैडम अंजू सेठी ने दस्सिया कि समूह स्कूल मुखियां नूं विभाग हदायतां अनुसार गैर बोर्ड जमातां दा सालाना नतीजा तैयार करन लई कह दिता गया।
गया है। स्कूल मुखी अपनी सुविधा अनुसार 31 मार्च नूं सालाना नतीजे का ऐलान कर देंगे। सिक्ख्या अधिकारियों ने दस्सिया कि विद्यार्थियों नूं नवें सैशन दीआं पाठ पुस्तकां देण दी प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। पाठ पुस्तकां संबंधी समूह स्कूलों वालों बुक बैंक भी स्थापित किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च 8000 तों वध अध्यापकां दी भर्ती बारे नवीं अपडेट। पंजाब प्री प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2021 तहत अध्यापक भर्ती किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार दे स्कूली सिक्ख्या विभाग ने प्री प्राइमरी अध्यापकों दीआं 8393 असामियां भरन लई बिने करन दी म्याद वधा दित्ती है। पंजाब प्री प्राइमरी टीचर भर्ती 2021 लई बिने करन दे इच्छुक नौजवान हुण 21 अप्रैल 2021 तक अपलाई कर सकदे हन। इस फैसले नाल काफी नौजवानों नूं लाभ मिल सकदा है। इस तों पहलां बिने प्रक्रिया 21 दिसंबर 2020 नूं ही पूरी हो गई सी। इस भर्ती दा नोटिफिकेशन 23 नवंबर 2020 नूं जारी कीता गया सी। पंजाब प्री प्राइमरी टीचर भर्ती विच उही उम्मीदवार बिने कर सकदे हन जिन्हां किसी भी मानता प्राप्त बोर्ड तों सीनियर सैकेंडरी यानी कि 12वीं घट्टो घट 45% नंबरां नाल पास कीती होवे अते नर्सरी टीचर एजुकेशन विच किसी भी मानता प्राप्त संस्था कोलों डिप्लोमा प्राप्त कीता होवे। अगली खबर दोस्तों, भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर COVID-19 की जांच विच सकारात्मक पाई गई है, जिस तों बाद ओह होम क्वारंटीन है। 32 साल यह भारतीय खिडारी दक्षणी अफ्रीका खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज हिस्सा सी। दक्षणी अफ्रीका खिलाफ 5वें वनडे मैच में जख्मी होने तो बाद उसनू T20 सीरीज तो बाहर कर दिता गया सी। स्मृति मंधाना नू उन्हां दी जगह T20 टीम का कप्तान बनाया गया सी। हुण खबर आ रही हैं कि हरमनप्रीत कौर COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर दोस्तों, नाभा की नवी जिला जेल च बच्चे समेत 44 महिला कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। पंजाब विच लगातार कोरोना की रफ्तार बेलगाम होंदी जा रही है। जेकर पंजाब दीआं जेलां दी गल कीती जावे, जेलां विच 1 साल तों बाद कैदी पेरोल तों वापस जेलों में परतने शुरू हो गए हैं, पर जेलों में भी कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बीते दिन नाभा की नवी जिला जेल में नज़रबंद 44 कैदी औरतों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने नाल जेल प्रशासन को हाथों पैरों की पै गई, जिस विच एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। इन सारियां पॉजिटिव केसां नूं मलेरकोटला जेल विच शिफ्ट कर दिता गया है, जिस तों बाद जेल प्रशासन वल्लों हुण मुलाजमां दे कोविड दे इंजैक्शन लगाउणे भी शुरू कर दिते गए हन। अगली खबर दोस्तों, कांग्रेसी MP रवनीत बिट्टू कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वायरस का प्रसार एक बार फिर वध रहा है। आए दिन सैकड़े लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। अजे च कांग्रेस के संसद मैंबर रवनीत बिट्टू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रवनीत बिट्टू ने अपने आप नूं दिल्ली च आइसोलेट किया है। रवनीत बिट्टू नूं पिछले कुछ दिनों तो बुखार सी, इस तों बाद ही उन्हें टैसट करवाया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकले। दस दईए कि बजट सैशन दौरान रवनीत बिट्टू संसद च कई कांग्रेसी लीडरां दे संपर्क च आए सन। अगली खबर दोस्तों, पंजाब च पाबंदियां 10 अप्रैल तक रहणगियां जारी, जाणो मुख्यमंत्री ने होर की कीते ऐलान। सूबे विच UK वायरस दे ज़्यादा पाए जाण दे नाल कोविड केसां अते मौतां दी निरंतर वधदी गिणती नूं देखदिआं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार नूं कोविड कारण लाइयां बंदिशां नूं अगे 10 अप्रैल तक वधाउण दे हुक्म कीते हन। इस दे नाल ही सेहत विभाग नूं तरजीही वर्गां नूं जरूरी आधार ते निशाना बनाउण लई टीकाकरण थावां दी गिणती वधाउण दे आदेश दित्ते गए। मुख सकत्तर अते होर उच्च अधिकारियां नाल कोविड दी स्थिति दी समीक्षा करदिआं मुख मंत्री ने कहा कि जिहड़ियां बंदिशां 31 मार्च तक लगाईआं सन उन्हां नूं हुण 10 अप्रैल तक वधा दित्ता जावे अते इस तों बाद उह फिर इस दी समीक्षा करनगे। अगली खबर दोस्तों, 1 अप्रैल तों खोले जाणगे स्कूल, विद्यार्थियों नूं स्कूल लै के जाणगे मापे ते यूनियनां देणगीआं समर्थन। 20 मार्च तों अचानक बंद किए स्कूल खुलाउण, विद्यार्थियों दीआं रद्द कीतीआं सालाना प्रीख्यावां मुड़ चालू करवाउण लई अज विधानसभा हलका सरदूलगढ़ दे निजी स्कूल संयुक्त मोर्चे दे सद्दे ते भारी इकट्ठ होया। तुरंत स्कूल खोलण दी मंग करन वालिआं विच मापे, स्कूल मुखी, अध्यापक, विद्यार्थी, वैन चालक, किसान यूनियनां, समाज सेवी अते सरकारी स्कूल दीआं वख-वख अध्यापक यूनियनां शमूलियत कीती। बुलारे ने दोष लगाया कि पंजाब सरकार ने एक मिनी मिथी राजनीति चार
ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10-10, 20-20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।